क्लास के चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों जैसे आपने हमारे वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखा है और बहुत ही अच्छे से आपने फॉलो किया है, तो दोस्तों बस ऐसे मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना अच्छे से प्यार दिया और इतने वीडियोस पर आप फोकस कर रहे हो और इतने अच्छे से आप सीख पा रहे हैं। दोस्तों हमारे ड्रीम क्लास के चैनल का यही एक मोटो और यही एक मिशन है कि आप लोग अपने घर पर बैठे भी अच्छे से कंप्यूटर सीख सकें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस पर वर्क कर सकें। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है, सबसे पहले बात करेंगे कि जिसे आपने मेरी प्लेलिस्ट में देखा, बहुत ही अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसमें आप सी लैंग्वेज पूरा देख सकते हैं, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर यूजफुल ट्रिक्स भी स्टार्ट किया है, उसमें भी मैं आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स दिखाऊंगा। उसके अलावा आप देखेंगे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और इवन कोरल ड्रॉ टैली, यानी हर एक कंप्यूटर का ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप हर एक चीज़ उसमें सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की अगर बात करेंगे तो हम आज के टॉपिक में हम लेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो पिक्चर और क्लिप आर्ट होता है कि एमएस वर्ड में जैसे कहते हैं कि आपको प्रोफाइल फोटो कैसे सेट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको दिखाया था बायोडाटा, बायोडाटा में अगर आपको फोटो कैसे सेट करना है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। और उसके हिसाब से अगर आपको पिक्चर सेट करने के बाद उसको राइट लेफ्ट कैसे एलिमेंट सेट करना है, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया उसमें भी अगर आपको फोटो रखना है तो वो फोटो आप कैसे रख सकते हो। दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको परफेक्टली नॉलेज मिल सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करके हम एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे स्टार्ट करेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करते हैं पिक्चर क्लिप आर्ट की। उससे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ लाएंगे इक्वल आर ए एन डी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर और एंड। तो दोस्तों ये पूरा एक एमएस वर्ड का एक कोड है जिससे पूरा टाइपिंग आपको इसमें मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, इंसर्ट मेनू में जाके आपके पास है पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर का मतलब जनरली दोस्तों फोटो, जो जेपीजी जॉइंट प्रोग्राम ग्राफिक्स आपको जो फोटो मिलेगा। पिक्चर का मतलब दोस्तों अगर आपकी पेंट की फाइल है तो वो भी एक जेपीजी है, अगर आपने नेट से डाउनलोड किया है तो वो भी एक जेपीजी है, अगर आपने मोबाइल से कॉपी करके रखा है तो वो भी एक जेपीजी है, इवन आपने कंप्यूटर में जितने भी फोटोज रखे हैं वो आप पिक्चर यहाँ पे ला सकते हो। पिक्चर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इंसर्ट पिक्चर करके, उसमें आप कंप्यूटर में जाके डी ड्राइव से ई ड्राइव से जहाँ से भी आप फोटोज लेना चाहते हो ले सकते हो, या फिर आपको करना होगा सर्च। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि कैसे हम कंप्यूटर में से सर्च कर सकते हैं फोटो, क्योंकि अभी हमें एक नए कंप्यूटर पर बैठे वहाँ पे हमें मालूम नहीं फोटोज़ कहाँ पे हैं, या फिर फोटो हम भूल गए फोल्डर्स कहाँ पे हैं। तो कंप्यूटर पे क्लिक किया है आप राइट साइड यहाँ पे आइए सर्च कंप्यूटर लिखा होगा वहाँ पे कर्सर रख के आपको सिर्फ एक्सटेंशन देना है जेपीजी। अगर आप यहाँ पे कोई नेम भी लिखोगे तो वो फाइल नेम होगी, तो आपके सामने फोटोज़ वो नेम भी आएगी और वो फाइल भी आएगी। अगर आपने वहाँ पे एक्सटेंशन लिखा txt टेक्स्ट जेपीजी या जो भी आप लिखोगे एक्सटेंशन के साथ, दोस्तों उसी हिसाब से आपको अलग अलग फाइल्स मिलेगी। दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम क्लास कोड हब करके एक पूरा पेज है इंस्टाग्राम का जिसपे मैंने एक्सटेंशंस बहुत सारे उस पर सिखाए हुए हैं, जैसे इमेज के लिए ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए अलग अलग एक्सटेंशन क्या होते हैं। दोस्तों उसको भी फॉलो कीजिए जिससे आपका कंप्यूटर टेक्निक्स में और नॉलेज आपको मिल सके, उसको उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं जेपीजी, मैंने यहाँ पे सर्च तो कर दिया, तो जेपीजी करने के बाद आपके सामने बहुत सारे फोटोज़ आ गए। थोड़ा जूम माइनस करके देखते हैं, देखिए जितने भी जेपीजी पिक्चर्स हैं फोटोज़ हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें कोई भी एक आप फोटो लेना चाहे वो आप फोटो अपने हिसाब से अपने तरीके से आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक ये माउंटेन का फोटो ले लेते हैं, एक पर्वत पूरा है उस हिसाब से, अगर ये पसंद है जो भी आपकी पसंद की होगी उस हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे आप इंसर्ट करोगे फोटो डायरेक्ट वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन दोस्तों फोटो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इसकी साइज हम प्लस माइनस छोटा सेट कर सकते हैं। अब आप ऐसे क्लिक करके रखते जाओ, देखो वो टेक्स्ट को कट कर रहे हैं। दोस्तों ये खास आपको सीखना है कि टेक्स्ट कट हो रहा है तो उसको कैसे सेट करें। सबसे पहले वो चीज़ है यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में, जब आप फोटो पर क्लिक रखते हो तो आपको फॉर्मेट मेनू दिखेगा, बाकी अगर आपने साइट पर क्लिक रखा है तो ऐसा कोई मेनू ऑप्शन आपके पास नहीं है। फोटो पर क्लिक करने के फॉर्मेट मेनू आते हैं, उसमें आपके पास पोजिशन रहती है। जैसे ये पोजिशन सेट करने पर न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि फोटो एक साइड उसका पैराग्राफ साइड पर लिखा होता है, उसी हिसाब से उसकी पोजीशन आप चेंज करोगे, आप चेंज कर सकते हो कैसे एंगल में आपको कैसे आपको सेट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इसकी फोटो की ब्राइटनेस हो वो भी सेटअप करना है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रेस्ट, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे रहेगा ब्राइटनेस जो लाइट डार्क करेगा, कॉन्ट्रेस्ट लेवल भी है, या फिर आप उसको रिकलर ब्लैक एंड व्हाइट में कर दो, सिर्फ ड्राइंग टाइप कर दो, कलर कॉम्बिनेशन सेट करो, आपके हिसाब से इफेक्ट इसमें आप दे सकते हो। लेकिन मैं बात कर रहा था कि जैसे यहाँ पे हमने सेट किया उसके बाद हम उसको कैसे सेट करेंगे, तो दोस्तों वो देखते हैं कैसे सेट करना है। अगर आपको इसके बॉर्डर भी देना है तो यहाँ पे देखिए पिक्चर बॉर्डर भी है हमारे पास,
मैंने जैसे ब्लैक बॉर्डर दी, थोड़ी बॉर्डर को डार्क कर देंगे, तो उस हिसाब से पिक्चर बॉर्डर भी दे सकते हो, या कलर करना चाहते हो कलर के भी बॉर्डर दे सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे पोजीशन तो आपने सेट कर दी, लेकिन उसकी जगह पे टेक्स्ट रैपिंग जो उसको एग्जैक्ट सेट कर सकता है, यानी आपके फोटो को वो परफेक्टली सेट करने के लिए इसका आपको इस्तेमाल कंपलसरी करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में आप करो इन लाइन विद टेक्स्ट, तो ये लाइन टू लाइन चलेगा, मतलब जहां पे भी जाएगा वो लाइन को कट कर देगा। जैसे ऑफ योर के बीच में आ जाएगा तो वहां से ऑफ अलग, यहाँ पे योर अलग। अगर आपने स्क्वायर रखा तो वो स्क्वायर में रहेगा, मतलब जहां पे भी जाएगा वो अपनी स्क्वायर की जगह टेक्स्ट बॉक्स में बना देगा, यानी जहां पे भी टेक्स्ट रहेंगे वहां पे। अगर आप टाइट रखोगे तो वो नॉर्मल सेम ही स्क्वायर टाइट, इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्क्वायर में जगह ज्यादा रहती है, टाइट में नहीं रहती है। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब वो पीछे की तरफ चला गया, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया ज्यादा आएगा। टेक्स्ट आपका उसके ऊपर लिखा हुआ है फोटो के ऊपर, तो अभी आप उसकी ब्राइटनेस लेवल कम करो जिससे आप एग्जैक्ट पढ़ सकते हो। अगर आपको ऐसे भी रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, जिससे विथ फोटो एंड टेक्स्ट दोनों आप एक साथ वर्ड में सेट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो इसके हिसाब से। और अगर उसमें भी टेक्स्ट रैपिंग में अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दोगे तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होगा, एक फ्रीली सिलेक्शन, आप उसको जितना छोटा करो, एक लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन जो भी एंगल में आप रखना चाहो उसको इजीली रख सकते हो आप। अगर उसी ऑप्शन में आप टेक्स्ट रैपिंग में टॉप एंड बॉटम करोगे तो ये जहां पे भी जाएगा वो दोनों पैराग्राफ या जितने पैराग्राफ होंगे उसको डिवाइड करने के लिए यूज होगा, यानी कुछ मुझे पैराग्राफ ऊपर रखने, कुछ बीच में रखने, तो इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और उसी में आप ऑप्शन देखोगे थ्रो, तो वापस वही बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक टॉप एंड बॉटम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप उसमें ऑप्शन देखोगे साइड पे एलाइन रहेगा, एलाइन सेंटर, तो वो एक एग्जैक्ट सेंटर में सेट करने के लिए रहता है, एलाइन सेंटर। अगर उसी को एलाइन मिडल कर दोगे तो वो पेज के मिडल में चला जाएगा। उसमें भी दोस्तों आपके पास ऑप्शन है रोटेशन का, थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रोटेट है, रोटेट 90, तो आपका फोटो उस हिसाब से हॉरिजेंटली रोटेशन करना है, वर्टिकली करना है, 90 लेफ्ट और राइट। देखिए ये हॉरिजेंटल, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इवन आपको अगर क्रॉप करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करके पहले बॉर्डर को निकाल देता हूँ। यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन भी दोस्तों ऊपर दिया हुआ है, जूम करके वापस देखते हैं। जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करोगे आपके सामने ये मोबाइल में, जैसे आप कैसे फोटो को क्रॉप करते हो, मुझे सिर्फ इतना एंगल ही चाहिए, तो यहाँ से आप कट कर सकते हो, एंटर दे दोगे, ऑटोमेटिक वो फोटो उसका क्रॉप हो गया। दोस्तों ये तो एक फोटो हुआ, अब हम दूसरा फोटो लेते हैं। तो साइड पर कर्सर रख के इंसर्ट से वापस वही करना है पिक्चर, डी ड्राइव में आपको सर्च करना है जेपीजी, या फिर कंप्यूटर पर क्लिक करके। मेरे पास डी ड्राइव में फोटोज फोल्डर में, वहीं से एक फोटो ले लेता हूँ। देखिए अब ये एक फोटो आ गया और दूसरा फोटो नीचे। इसको भी आपको टेक्स्ट रैपिंग से पहले टॉप एंड बॉटम या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखने से मैक्सिमम क्या होगा, वो परफेक्टली आपको सेट कर सकता है। इसको भी हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं, यानी दोनों फोटो को आप अप डाउन रख सकते हो कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। लेकिन अब मेरा एक फोटो ऊपर है, दूसरा फोटो पीछे है, ग्रीन जो ग्रास है पूरा गार्डन टाइप। अब उसको आप जिसे सेंड टू बैक करोगे वो पीछे की तरफ चला गया, अगर ब्रिंग टू फ्रंट करो तो ऊपर की तरफ। लेकिन इसमें और एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे ही हमने ग्रीन फोटो को थोड़ा जूम कर दिया और इसको सेंड बैक भी अभी कर दिया, ये जो ट्रांसपेरेंट है इसको हम यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स में यूज़ करेंगे। दोस्तों दो फोटो को अप डाउन रखना हो तो आपको कम से कम मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और उसकी लेंथ की साइज आप कम से कम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसमें भी अगर आप देखोगे कि एलाइन सेंटर आपने कर दिया तो वो सेंटर में हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इफेक्ट की बात कर रहा था, पिक्चर इफेक्ट में ग्लो इफेक्ट रहती है, तो ग्लो में देखिए पीछे एक शेडो टाइप रह जाएगा, लेकिन हम इसमें सॉफ्ट टेक का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो फोटो ट्रांसपेरेंट हो गया। देखो सॉफ्ट टेक में आप नो सॉफ्ट टेक नॉर्मल 1 से थोड़ा कम एकदम 50 रख दोगे तो देखो सिर्फ वहाँ पे सेंटर है, मतलब एक फोटो को दो फोटो साथ में रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने छोटा किया तो थोड़ा कम हो गया, यानी फोटो देख ही नहीं रहा है, क्योंकि सॉफ्ट टेक 50% है, 25 पॉइंट रख दो।
तो ये दो फोटो के कंबाइंड इफेक्ट आप ऐसे कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। फोटो अगर दूसरा भी लेना है तो हम दूसरा कुछ ले सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा आइडिया आएगा। तो पिक्चर्स में जाके हम कुछ और फोटो को ट्राई करते हैं लेने की। जैसे हमने ये पानी का ले लिया फोटो, उसी को भी सेम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पहले करना है। अब पहले आपने छोटा फोटो सेलेक्ट किया है, शिफ्ट के साथ आप बड़े फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल फोटो को सिलेक्ट करने के लिए एक क्लिक किया, शिफ्ट के साथ आप दूसरे फोटो को सिलेक्ट कीजिए, अलाइन सेंटर कर दीजिए एंड अलाइन मिडल कर दीजिए, जिससे वो सेंटर टू मिडल परफेक्टली दोनों शेप में दोनों साइज में सेट हो गए। अब साइड पे क्लिक करके आपने वो फोटो को सिलेक्ट किया, पिक्चर इफेक्ट से सॉफ्ट है। तो इसमें हम वहाँ पे रख के दिखा सकते हैं कि उस तरफ वहाँ पे पानी का व्यू हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एग्जिट आप देखोगे दोस्तों, फोटो ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पे ग्रास कंप्लीट हो रहा है उस तरफ पानी है एंगल के साइड, जो आप जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैं एक ही फोटो नहीं है, यहाँ पे दो फोटो का यूज़ हुआ है, लेकिन दिखने में एग्जिट आपको ऐसे लगेगा कि आपने सिर्फ एक फ़ोटो का इस्तेमाल किया है। एग्जैक्टली जब आप उसको हटाओगे यहाँ से जगह चेंज करोगे तो मालूम पड़ेगा वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। एंड ये हम वहाँ पे एग्जिट रख के दिखा सकते हैं। इतने वो वहाँ पे परफेक्टली मैच हो जाता है कि एग्जिट यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि ये ग्रास जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आगे पूरा वहाँ पे पानी दिया हुआ है। दूर से देख के एक परफेक्टली आप जान सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक पिक्चर का सेटअप, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे उसको पिक्चर सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ देखेंगे कि जैसे इंसर्ट में क्लिप आर्ट, दोस्तों पिक्चर क्लिप आर्ट में दोनों में अंतर है। पिक्चर आप कंप्यूटर के अंदर से लेते हो, क्लिप आर्ट आपको बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस देता है। वहाँ पे भी यहाँ पे एवरीवेयर क्लिक करके आप अगर लिखोगे यहाँ पे होम, तो होम रिलेटेड क्लिप आर्ट आपको मिलेंगे। और अगर आप लिखोगे कार, तो कार रिलेटेड क्लिप आर्ट। अगर आपने यहाँ पे स्टार डॉट स्टार लिख के गो कर दिया तो जितने भी मैक्सिमम क्लिप आर्ट आपको मिलेंगे, देखिए मैं जैसे कार को लेता हूँ, उसके भी ऑप्शन है। मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख के आप एज अ कार्टून कैरेक्टर जो होता है वो क्लिप आर्ट कहलाता है। आप इसको यहाँ पे सेट कर दो। तो ये है हमारा क्लिप आर्ट और पिक्चर। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे सब्सक्राइब करने के बाद आपको आने वाली मेरी वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे चैनल को इतना प्रेम दिया उसके लिए और इतना प्यार से उसको वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों आने और भी आगे वीडियोस देखिए, जिससे मैं आपको और से और अच्छे से अच्छा और एक परफेक्ट और बेसिक से लेकर एडवांस कंप्यूटर नॉलेज दे सकता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।